नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप एपीएस या कियोस्क बैंकिंग पोर्टल चलाते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखते रहिए। हम आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कियोस्क बैंकिंग चलाते हैं या फिर सीएसपी चलाते हैं और कस्टमर का पैसा फंस जाता है और वो आपको बार बार परेशान करता है, तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी पैसा नहीं फंसेगा और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की यूजफुल जानकारी लेने के लिए इस हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कियोस्क बैंकिंग चलाते हैं या फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का कोई काम करते हैं या फिर डिजीपे चलाते हैं और कस्टमर का पैसा उसमें फंस जाता है और कस्टमर आपको परेशान करता है कि मुझे मेरा पैसा दीजिए, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा। सिंपल से, सबसे पहले आपको एक नोटिस बोर्ड अपनी दुकान पर चिपकाना होगा। आपको ये नोटिस बोर्ड हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप इस नोटिस बोर्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस नोटिस बोर्ड को देख लीजिए। देखिए, इस नोटिस बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप आधार एपीएस के माध्यम से पैसा निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें बताई गई हैं। तो कस्टमर अगर इन शर्तों को पढ़ लेता है तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः एपीएस के इस्तेमाल में रकम फंसने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी किसी तकनीकी कारणों से आधार के माध्यमों से पैसा निकालने पर अगर रकम ग्राहक के खाते से कट जाता है और सेवा प्रदाता के खाते में नहीं पहुंचता है तो वह रकम ग्राहक के खाते में जो है 72 घंटे में वापस हो जाता है। इसके लिए सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि जो ग्राहक सेवा केंद्र चला रहा है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। रकम कटने की दिशा में पासबुक का फोटोकॉपी और रजिस्ट्रेशन आईडी लेकर आपको बैंक मैनेजर से शिकायत ग्राहक को खुद करना होगा। जो ग्राहक आपके पास आता है और आपको परेशान करता है तो उसे परेशान नहीं करना है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे अपने बैंक में जाना है और बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत करना है। इसके बाद देखिए, उसको एक कॉपी बैंक में देनी है और इसके अलावा उसे एक कॉपी सीएसपी ऑपरेटर को भी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नियम और शर्तों को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एनपीसीआई लिखा हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आधार का लोगो है, और यहाँ पे एपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इस नोटिस बोर्ड को आपको A4 पेपर पे निकाल के और अपनी दुकान पे फ्रंट में चिपकाना है, जहाँ पर आपका कोई भी कस्टमर आता है तो उसे ये जो है दिखाई देना चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं आपको ये नोटिस बोर्ड कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से एक लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, तो आप सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप इस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब आपको नीचे आना है तो आप यहाँ पे सबसे नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड दिस नोटिस बोर्ड। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से पेज खुलेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट करना है। यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको एक कैप्चा फिलिप करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये आपको बताना होगा कि आप रोबोट नहीं है, तो आपको यहाँ पे चेकमार्क लगाना होगा। चेकमार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, अगर ये पिक्चर भी आपके पास आती है तो आपको यहाँ पे जो है सेट कर लेना होगा। यहाँ पे बताना होगा कि आप रोबोट नहीं है। चलिए मैं इस कैप्चे को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मुझे बता रहा है वाई साइकिल, तो यहाँ पे मैं जो भी वाई साइकिल है मैं उसे यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में आ रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे मैं 10 सेकंड का वेट करना है। चलिए 10 सेकंड हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे सामने हमारा जो है नोटिस बोर्ड आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए 10 सेकंड लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, अब हमें नीचे आना है। यहाँ पे देखिए गेट लिंक लिखा हुआ है, हमें गेट लिंक पे क्लिक करना है।
देखिए जैसे हम गेट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सीधे हमारे पास जो है ये इस तरीके से नोटिस बोर्ड आ जाएगा, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए HD हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से जो है इस नोटिस बोर्ड को डाउनलोड कर लेना है और इस नोटिस बोर्ड को डाउनलोड करके जो है आपको अपनी दुकान पे चिपका लेना है। तो दोस्तों आपको इससे कोई समस्या नहीं आएगी, कोई कस्टमर आपको बार बार परेशान नहीं करेगा, आपसे नहीं कहेगा कि आप पैसा दीजिए, आपका पैसा फंस गया है। तो सीधा सीधा जो है यहाँ पे वो पढ़ लेगा और वो समझ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।